पिंचा ने क्या कुछ कहा है वो आपको हम सुनवाते हैं। उपचुनाव में कांग्रेस के अनिल शर्मा जो है चुनाव एक तरह से जीत गए हैं। अशोक पिंचा हैं, संघर्ष का प्रतीक उनको माना जाता है, लगातार चुनाव लड़े, डटे रहे और मतगणना भी मैं आपको देख रहा था, भले ही भाजपा पिछड़ रही थी आप थे, लेकिन ऐसा कौन से कारण है कि भाजपा का साथ नहीं मिलता या अशोक पिंचा को सरदार शहर की जनता साथ नहीं देती? क्या RLP ने खेला किया? नहीं, RLP अपने प्रजातंत्र है, सब पार्टियों खड़े होने का अधिकार है, लेकिन अभी जो भारतीय जनता पार्टी पीछे रहने के कारण कांग्रेस पार्टी का राज था और माननीय मोहनलाल जी का लड़का था, ये दो बातें थी। तो क्या लगता है कि जिस तरह की बात कही गई, सतीश पूनिया ने जो कहा और ये कहा कि भाजपा को इस बार अशोक पिंचा को वोट मिलेंगे, तो ऐसी कौन सी खामियां रही? ठीक है, ये दो बातें तो कांग्रेस के पक्ष में जाती हैं, पर आप भी तो कहते हैं कि मैं लगातार बीच में रहा हूँ, भाजपा जो है अब आने वाले चुनाव में भाजपा को जीत की तरफ जाएगी, ऐसा कह रहे हैं भाजपा नेता, तो आखिर और क्या वजह रही? नहीं, और तो वह जनता की भावना है, वजह का कारण की समीक्षा करेंगे कार्यकर्ता। अच्छा, एक आखिरी सवाल, क्या भाजपा एकजुट नहीं थी? क्या लग रहा था कहीं कि कुछ नेता उतने सक्रिय नहीं थे इस बार? नहीं, नेता के सक्रिय होने की आवश्यकता नहीं है, कार्यकर्ता सारे सक्रिय थे, हम नेता जो भी है वो समीक्षा की बात। क्या अशोक पिंचा आम चुनाव की तरफ देख रहे हैं अब भी? है? आम चुनाव की तरफ देख रहे हैं अब भी? वो तो और क्या, जनता में रहेंगे, जनता का साथ मिलेगा तो वापिस आएंगे, इसमें क्या। चलिए।